वेलकम बैक गाइस, टाइगर स्वागत नहीं करोगे क्या इनका? मतलब वो जो म्यूजिक था ना, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, ये जो सॉन्ग था, दिस सॉन्ग वॉज एन एंथम फॉर मी। मैं इसको रोज लूप पे सुनती थी जब ये सॉन्ग आया था। और टाइगर जिंदा है, माई मोस्ट फेवरेट मूवी, किसी भी टाइम देख सकती हूँ मैं। अब टाइगर 3 से रिलेटेड कंफर्म न्यूज आ चुकी है। यस गाइस, 27th of September का बेसब्री से इंतजार होने जा रहा है। अब मैसेज ऑफ टाइगर से रिलेटेड जो एक डिटेल्ड वीडियो मैंने आपसे कहा था, ये वो वीडियो है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। हम लोग भाई जान के बारे में बात करने वाले हैं, टाइगर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है यार? देखो सुनो, सबसे पहले तो मैं पता नहीं कितने दिनों से ट्रैक कर रही हूँ, टाइगर का टीजर आएगा, टाइगर के बारे में कोई न्यूज़ आती है, बिकॉज मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार। और इस वक्त भी जो सुबह वो जो न्यूज़ आई थी, उसको सुनने के बाद मतलब एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। उस वक्त ये लग रहा था बॉस यार, ओ माई गुडनेस, यही वो टाइम था, यही वो चीज़ थी, वो न्यूज़ थी जिसका हम लोगों को पागलों की तरह इंतज़ार था, पागलों की तरह। मैं लिटरली ना रोज़ ऐसा लगता था आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। फाइनली आज आ ही गया, वो आज आ ही गया जिस दिन हमारे पास एक कन्फर्म्ड डेट है। अब इस बात पे ना कई हेटर्स कह लो, जो भी कह लो, कई लोगों का ये कहना है कि यार ये न्यूज़ कन्फर्म नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैसेज ऑफ टाइगर क्या चीज़ है, दिस एंड दैट, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, मेरे ही वीडियोज़ पे बहुत से लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जस्ट वेट फॉर 27th of September। थोड़ा सा इंतज़ार है, 2-4 दिन, 2-3 दिन का इंतज़ार है, ये इंतज़ार कर लो। ये इंतज़ार करने के बाद आपको पता चलेगा कि YRF क्या चीज़ है। ओके, पहली चीज़ तो ये, YRF ने पहले से ही कटआउट्स लगवाना शुरू कर दिया है टाइगर के प्रमोशन के लिए, बड़े बड़े थिएटर्स के बाहर, PVRs के बाहर, जो नेशनल चेन्स हैं उनके बाहर सेल्फी पॉइंट्स बन चुके हैं ये टाइगर 3 के पोस्टर्स। अब ये जो पोस्टर्स हैं ना, ये ऑफिशियल प्रमोशन का किक स्टार्ट होने का एक इंडिकेशन है कि ऑफिशियली टाइगर 3 प्रमोशन स्टार्ट हो चुका है। जिसको जो उखाड़ना है वो उखाड़ लो, ठीक है? इस वक्त पर क्या चल रहा था कि टाइगर 3 का जो प्रमोशन है, पता नहीं इसकी क्या डेट आएगी, पता नहीं कब तक स्टार्ट करेंगे, YRF सो रहे हैं, YRF के पास कोई न्यूज़ नहीं है, YRF इज़ नॉट इवन सीरियस अबाउट टाइगर। मैं आपको शुरू से कह रही थी ये 22 निकल जाने दो, 22 तारीख निकल जाने दो। हर फिल्म जो है वो एक अगर प्रोडक्शन हाउस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन दे वर जस्ट वेटिंग कि ये हो जाए, उसके बाद हम टाइगर को लॉन्च करेंगे। टाइगर इज़ द बिगेस्ट फ्रेंचाइज, इट इज़ द बिगेस्ट बिगेस्ट ब्रांड ऑफ YRF स्पाई यूनिवर्स। सबसे पहले शुरुआत टाइगर से हुई थी। और मैसेज ऑफ टाइगर से पता है क्या मेरे स्पेकुलेशन है, मुझे क्या लगता है? देखो मैसेज ऑफ टाइगर क्या हो सकता है ना, मैसेज ऑफ टाइगर कुड बी जैसे हमने जो टिपिकल एजेंट यू नो वाला जो स्टाइल है, एक एजेंट वाला जो स्टाइल है, वॉकी टॉकी है, उस वॉकी टॉकी पे कोई मैसेज आ रहा है टाइगर का, इट कुड बी दैट, इट कुड बी अ रिटन मैसेज जो कहीं से आ रहा है, जो कि विच इज़ अगेन अ ब्रेक थ्रू काइंड ऑफ अ सीन किसी फिल्म का जिसमें जो YRF स्पाई यूनिवर्स से ही लिंक्ड है। इट कुड बी पठान, पठान के ही लाइनेज से आके ये टाइगर का मैसेज आ रहा है। मतलब उस वाले वीडियो में वो एक प्रिलिम्स होगा ट्रेलर का, पहले मैं आपको बता दूं, ये मैसेज ऑफ टाइगर जो है ये एक वीडियो होगा, ये एक टीज़र नहीं, मैं बोलूंगी इसको ये टीज़र नहीं है, दिस इज़ मैसेज ऑफ टाइगर। और ये मैसेज ऑफ टाइगर जो है ये ट्रेलर से पहले की एक भूमिका बनाएगा जिसमें हमको ये पता चलेगा कि इस वाली फ्रेंचाइज में टाइगर 3 में क्या होने जा रहा है। इतना कुछ तो बता चुके हैं हमारे को कि मनीष शर्मा ने बहुत अतरंगी कुछ सोचा है, बिल्कुल डिफरेंट कुछ सोचा है, एंड दैट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू सी इन द मैसेज ऑफ टाइगर। उसमें कोई वॉकी टॉकी से, जैसे मैंने कहा, कोई मैसेज हो सकता है, कोई रिटन मैसेज हो सकता है, क्योंकि टाइगर का फेस रिवील मुझे नहीं लगता है, फेस रिवील हो चुका है वैसे तो पिछले वाले टीजर में, लेकिन प्रॉपर टाइगर मुझे या तो लगता है कि हाफ क्लोजअप वाली चीज़ होगी जिसमें सिर्फ वो कुछ बोल रहे हैं टाइगर, उतना ही एटम बम काफ़ी है, पता है उतना ही काफ़ी है फैंस के लिए, हम लोगों के लिए। और अगर वो नहीं होता है तो मेरे हिसाब से और कोई ऐसी चीज़ होगी, जैसे कोई जैसे मैंने आपसे कहा कोई रिटन मैसेज है वो कहीं से आ रहा है, या यू सी समथिंग रिटन डाउन समवेयर विद द बैक विद दैट BGM ऑफ टाइगर। BGM यार, वो BGM है, गूज बम्स है, लिटरली गूज बम्स है, वो उस BGM में कुछ बोल रहे हैं टाइगर, ऐसा कुछ हो सकता है। तो द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। और जब वो आएगा ना यार, सबके होश उड़ जाएंगे, इतना मैं कह सकती हूँ, सबके होश उड़ जाएंगे क्योंकि YRF ना जिस दिमाग से सोचता है, हम लोग तो उसके आसपास नहीं है अभी, और बहुत समय लिया है इन लोगों ने स्पेकुलेट करने के लिए। वैसे एक और चीज़ आ रही है यार, पता नहीं कौन बोल रहा है, अब ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी टाइगर 3 की डेट को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है 10 नवंबर ही होना चाहिए, कुछ लोग हैं जो 13 नवंबर कह रहे हैं, अभी मैंने ये न्यूज़ भी देखी थी सोशल मीडिया पे, 13 नवंबर मंडे को बिगेस्ट फ्रेंचाइज अगर है
13th नवंबर का क्या वो बनता है यार, क्या दिवाली पड़ रही है उस दिन? मैंने चेक नहीं किया वैसे, हो सकता है उस दिन दिवाली हो और 10th जो नवंबर है उस दिन दिवाली का कोई वहाँ से छुट्टियाँ शुरू हो रही हो, बट एज़ फार एज़ आई नो दिवाली इज़ ऑन 10th, तो 13th डेट का क्या लॉजिक बनता है मुझे समझ ही नहीं आया। लेकिन हाँ, कीपिंग दैट असाइड, मैसेज ऑफ टाइगर जो है वो हमारे को ये बताता है, ये समझाता है कि भाई तैयार हो जाओ, अब कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। तो यार एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही अब, ये लग रहा है कि जल्दी से आ जाए 27 तारीख। अभी तो टाइम पता नहीं चला है किस टाइम पर क्या आएगा, कहाँ आएगा, YRF के ही यूट्यूब चैनल पर आएगा जो आएगा, टाइम पता चलते ही मैं आपको बताऊँगी। वैसे क्या लगता है आप कितने एक्साइटेड हो टाइगर के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अब तक के लिए स्टेडियम फॉर ऑल दी अपडेट्स, लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोर फंक्शन।